मुंबई के पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सिद्दीकी बांद्रा से 3 बार विधायक एवं राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वो इसी वर्ष फरवरी में कांग्रेस छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। उनके बेटे जिशान सिद्दीकी वर्तमान में बांद्रा सीट से ही विधायक हैं। पुलिस ने हत्या में शामिल रहे 2 संदिग्ध शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। बाबा सिद्दीकी का शव पोस्टमार्टम के लिए मुंबई के कूपर अस्पताल में लाया जा रहा है। बाबा सिद्दीकी पर उनके बेटे के कार्यालय के बाहर ही शनिवार को रात लगभग 9:30 बजे मोटरसाइकिल से आए 3 शूटरों ने 6 गोलियां दागी। उन्हें 6 गोलियां लगी थी। घायल अवस्था में बाबा सिद्दीकी को निकट के लीलावती अस्पताल में लाया गया था, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए 2 शूटर उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। पुलिस इस घटना के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शक जता रही है। बता दें कि बाबा सिद्दीकी ने अपना पूरा राजनीतिक जीवन कांग्रेस पार्टी में गुजारा, लेकिन इसी वर्ष फरवरी में वो कांग्रेस छोड़कर राकंपा में शामिल हो गए थे। उनके विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी को भी जल्द ही राकंपा में शामिल होकर अगला विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना थी। उनकी हत्या के बाद विपक्ष को एक बार फिर राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर उंगली उठाने का मौका मिल गया है। कांग्रेस नेता भाई जगताप ने खराब कानून व्यवस्था के लिए गृह मंत्रालय के प्रभारी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके त्याग पत्र की मांग की है। दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस ने स्वयं लीलावती अस्पताल पहुंचकर बाबा सिद्दीकी के पुत्र जीशान सिद्दीकी से मुलाकात की है और पुलिस से घटनाक्रम की जानकारी ली है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का कहना है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैंने डॉक्टरों और पुलिस से बात की है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी यूपी और हरियाणा के हैं। 3रा आरोपी फरार है। हमने मुंबई पुलिस को निर्देश दिए हैं कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मुझे यकीन है कि मुंबई पुलिस जल्द ही 3रे आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी। भाजपा नेता किरीट सौम्या का कहना है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या चिंता का विषय है। सरकार को एक विशेष टीम बनाकर इसकी जाँच करनी चाहिए। ये एक बड़ी साजिश लगती है। सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।